हेलो फ्रेंड दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल साथ निभाना साथिया में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। लेकिन इसी बीच एक और खुशखबरी है कि घर में होने वाली है शादी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि टिया और कृष्णा की वापस शो में एंट्री हो चुकी है और यहाँ पर कनक का ड्रामा पहले से ही चल रहा होता। और इतना कुछ हो चुका है उन दोनों की ट्रेकिंग में जाने के बाद कि उन्हें पता ही नहीं है कि इसका उनका घर भी उनसे छिन गया था। लेकिन गहना और अनंत ने वापस वो घर पा लिया है और आते ही गहना को सभी घर वालों को एकदम से टिया और कृष्णा दोनों सरप्राइज देने वाले हैं। और टिया फाइनली अपने दिल की बात घर वालों से करने वाली हैं और अब कृष्णा के साथ ही वो शादी करना चाहती है। तो दोस्तों यहाँ पर अब घर में एक शादी का त्योहार आने वाला है और इसी बात का मौके का फायदा उठाएगी कनक और घर वालों के सामने गिड़गिड़ाते नजर आएगी और कहेगी कि मुझे एक मौका और दे दो। और माँ और बापूजी भी ये डिसाइड करेंगे कि भाई जब घर में खुशी का माहौल हो तो हमें एक मौका और दे देना चाहिए। और खुशी के मारे घर वाले भी इमोशनल हो जाते हैं और कनक को वापस घर में रहने का फैसला दे देते हैं। और इस दूसरी तरफ अब टिया और कृष्णा की शादी होने वाली है जिसकी शादी की तैयारियों में गहना और अनंत और पूरा परिवार लग जाएगा और पूरी जिम्मेदारी एक बार फिर से बा गहना को ही देने वाली है। गहना से वो नाराज तो काफी होती है लेकिन टिया की खुशियों के लिए ही अब्बा वापस रेस्पॉन्सिबिलिटी गहना के हाथ में दे देंगी। तो वही गहना को फिर से घर वालों की नजरों में गिराने के लिए कनक एक के बाद एक चाल चलेगी और इस बार वो कुछ ऐसा करने वाली है जिससे कि अब टिया की जिंदगी बर्बाद हो जाए। जी हाँ दोस्तों, सागर और कनक दोनों ही मिलकर फिर से कनक कृष्णा और टिया की शादी में ड्रामा करने की कोशिश करने वाले हैं ताकि ये शादी हो ही ना और उस हमेशा के लिए गहना को घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाए। तो अब इस शादी की आड़ में कनक और सागर दोनों ही खेलने वाले हैं बहुत ही बड़ा गेम प्लान जो कि गहना के लिए काफी मुसीबतें लेकर आएगा। अब यहाँ पर बेचारी गहना इन दोनों के जाल में किस तरह से बचती है देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो शो में देखने को मिलेगी शादी फिर से टिया और कृष्णा की।